विवान नाम का एक सपेरा रहता था। विवान उसके सांप को दूध और अंडा देके पालता था। विवान तब, नाग देवता, आपके ऊपर ही मेरा जीवन निर्भर है, तू शांति से रह के हमें शांति से रख माता, कहकर नमस्कार करता था। एक बार विवान के घर पे एक आदमी आकर, ओ विवान, हमारे कलेक्टर साहब के घर में सांप घुस गया है, जल्दी आ, कहा। वैसा है क्या, ठीक है चल, कहकर कलेक्टर साहब के घर पे गया। वहां पे सभी लाठियां पकड़ के खड़े थे। उन्हें देखकर विवान, रुकिए रुकिए, सांप को कुछ भी मत कीजिए, कहकर उसने बीन को निकाला और बजाना शुरू किया। सांप बाहर आते ही विवान उसे टोकरी में डाला। तब कलेक्टर, बहुत थैंक्स भाई, ठीक टाइम पे आया, सांप आमतौर पे किसी को काटती नहीं है साहब, जब तक उसे कोई डराता नहीं है, वैसे लाठियों से वगैरह उनसे मारो मत साहब, हमारे सांप्रदाय के मुताबिक हम उन्हें पूजा करते हैं ना साहब। तुमने बड़ी अच्छी बात बोली है भाई, बोल क्या चाहिए तुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, हमारे बस्ती वालों के घर के दस्तावेज बस दिला दीजिए, बस। ठीक है, तुम्हारे बस्ती के लोगों को घर के कागजात दिला दूंगा, तुरंत ऑफिस जाओ, मैंने बोला है करके बोलो उन्हें। तो विवान बहुत खुश होकर, बहुत थैंक्स है जी, कहकर निकल गया। विवान अपने बस्ती वालों के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया। विवान एक ऑफिसर से, साहब हम अपने घर के दस्तावेज के लिए आए हैं साहब, कलेक्टर साहब ने ऑफिस आके आपसे मिलने के लिए बोले। हाँ कलेक्टर साहब ने हमें सब कुछ बताया है, सब कुछ ठीक है, मगर तुम लोगों को घर के दस्तावेज दिए तो हमें क्या फायदा है, हमें भी तो थोड़ी तरक्की चाहिए ना भाई। साहब हमें क्या करना होगा बताइए। एक एक घर का 10,000 के हिसाब से दे दो, तुरंत 2 मिनट में दस्तावेज दे दूंगा। उतना पैसा तो हमारे पास नहीं है साहब, 100-200 बोले तो बंदोबस्त कर सकते हैं। क्या है भाई, क्या मैं भिखारी हूँ, कैसे दिख रहा हूँ मैं, 100-200 देने की बात कर रहा है, दस्तावेज नहीं कुछ नहीं, जाओ जाओ। विवान और बाकी सभी जितने भी रिक्वेस्ट करने पर नो कहकर साफ मना कर दिया। अगले दिन आकर विवान, सर कृपया हमें हमारा दस्तावेज दे दीजिए साहब, प्लीज साहब, कहकर बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसने मना कर दिया। बहुत मिन्नत करने के बावजूद ऑफिसर पैसे लेने पे ही तुला था। तब विवान अपने बस्ती वालों से, मेरे पास एक उपाय है, कहकर बस्ती वाले के कान में कुछ कहा। अगले दिन विवान और उसके बस्ती के लोग सभी कुछ बोझा उठाकर ऑफिस में गए। सर कृपया हमारे दस्तावेज दे दीजिए साहब, 10 दिनों से आपके ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी आप हमारे ऊपर दया नहीं दिखा रहे। क्यों भाई, बोझा उठाकर आए, उसमें नोट है या चिल्लर पैसे हैं? चिल्लर पैसे हमें नहीं चाहिए, कम से कम 2,000 नोट भी चलेगा, हम छुट्टा कर लेंगे, वैसे 2,000 नोट कभी जिंदगी में देखा है। कहकर हंसने लगा। वहाँ पे मौजूद सभी हंसने लगे। सर सही है सर, मैंने कभी 2,000 नोट नहीं देखा है, क्या आपने कभी सांप देखा है, कहके वो बोझे में से उठाकर लेके आए सांप को वहाँ ऑफिस में डाल दिया। ऑफिस में सब पापरे सांप सांप कहकर चिल्लाने लगे। वो सांप ऑफिस के टेबल्स के ऊपर वगैरह चारों तरफ रेंगते हुए जाने लगे। ऑफिसर सभी इधर उधर भागने लगे। तभी ऑफिसर, अरे विवान तुरंत इन सांपों को निकाल कर बाहर फेंकना रे, हमारे पास घर नहीं है साहब, कितने बार आपके सामने मिन्नतें की पर आपने दस्तावेज नहीं दी, आप कैसे भी नहीं देंगे ये हमें मालूम हो गया है साहब, तभी हम ये सांप का धंधा छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, तभी तो सांप सभी यहीं पे छोड़ दिया साहब। अब्बा रुकना भाई रुक, दस्तखत करूंगा, पहले इन सांपों को तो यहाँ से निकाल, कह के पेपर्स पे धमाधम दस्तखत करके, ये ले विवान तुम सब लोगों का दस्तावेज, अभी तो इन सांपों को ऑफिस में से बाहर निकाल भाई। विवान उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर बीन बजाया, सारे सांप फिर से उन बस्ताओं में चले गए। एक गांव में चोपड़े नाम का एक व्यक्ति रहता था, वो उस गांव का मुखिया था। वो घमंडी होने के साथ साथ बातूनी था और शेखी मारता रहता था, वो कुछ भी करता तो गांव वाले सुनते थे। एक बार गांव में चोपड़े लोगों से कुछ बात कर रहा था
कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव वहां आया। उसे देखकर चोपड़े, अरे भाई तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? सर मेरा नाम नवीन है, मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स इस गांव में बेचने के लिए आया हूँ सर। देखो भाई नवीन, तुमने इसे क्या सब्जी मंडी समझ रखा है जहाँ तुम कुछ भी बेच दोगे? हमारे गांव के कुछ कायदे हैं, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मेरे जानकारी के बिना इस गांव में तुम कुछ भी नहीं बेच सकते। अगर इन्हें फिल्म भी देखना हो तो ये मुझसे पूछते हैं कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, जानते हो लोग? हाँ हाँ, कहकर चिल्लाने लगे, पहले तुम अपना प्रोडक्ट्स मुझे दिखाओ, अगर मुझे पसंद आया तो ही खरीदेंगे लोग। हाँ हाँ, कहने लगे। वाह सर, विराट कोहली की फैन फॉलोइंग की तरह आपकी फैन फॉलोइंग है यहाँ पर। ये लीजिए सर, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये एक मिक्सी है, इसमें कुछ भी डालेंगे तो आटा बनकर पिस जाता है। सारे मिक्सी में 3 लेवल होते हैं पर इसमें 5 लेवल हैं। इसकी कीमत केवल 3,700 रुपए ही है, 6 महीने की गारंटी भी है, EMI फैसिलिटी भी है सर। अरे वाह, तुम अपने मार्केटिंग स्किल से लगता है कि हिंदुस्तान को ही बेच दोगे, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। तुमने कहा ना कि ये किसी भी चीज को पीस देता है, आटा बना देता है, तो इसे वहाँ रखो, मैं टेस्ट करता हूँ। यूं नवीन ने मिक्सी को वहाँ रखा तो चोपड़े ने उसमें पत्थर, लोहे के टुकड़े, बल्ब वगैरह डालकर ऑन किया। बस मिक्सी गड़गड़ गड़गड़ की आवाज करते हुए घूमने लगा, बाद में धमाका हुआ और काला धुआं निकलने लगा। ये क्या सर, आप पत्थर को पीसने के लिए डाल रहे हैं इसमें? ये तो दाल और चावल पीसने के लिए है सर। तुम किसे उल्लू बना रहे हो भाई, तुम्हीं ने तो कहा था कि ये किसी भी वस्तु को पीसकर आटा बना देता है। मेरे प्यारे ब्रेनलेस विलेजर्स, ऐसे व्यक्ति की बातों में तुम धोखा ना खाना। जाओ भाई जाओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। बेचारा नवीन वहाँ से चला गया। यूं नवीन कोई भी प्रोडक्ट वहाँ ले आता तो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल कर उसे भगा देता था। एक दिन नवीन, इस चोपड़े की वजह से मेरा सेल्स मार खा रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नौकरी जाती रहेगी, इसको सबक नहीं सिखाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में हेयर ड्रायर में आग निकले ऐसा उसने प्रबंध किया। अगले दिन हेयर ड्रायर को लेकर नवीन उस गांव में गया। उसे देखकर चोपड़े, हाँ आओ नवीन आओ, फिर आ गए? अरे भाई तुम्हारी ये दृढ़ संकल्प देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें दृढ़ संकल्प सम्राट की उपाधि देना चाहता हूँ। चलो बताओ इस बार तुम कौन सी बकवास चीज लेकर आए हो, हर बार तुम एक फालतू प्रोडक्ट लाते हो, मैं उसका रिव्यू करता हूँ और तुम चले जाते हो, ये साधारण सी बात हो गई है, अब क्या लाए हो जरा जल्दी दिखाओ। सर ये एक हेयर ड्रायर है, इसे कोरियन टेक्नोलॉजी से बनाया है, गीले बाल को ये मिनटों में सुखा देता है, मॉडल का नाम है हे राम फायर ड्रायर। अरे वाह, नाम तो बड़ा अनूठा है, देखा लोगों इनकी चालाकी, अच्छे नाम रखकर लोगों को लूटने के चक्कर में रहते हैं ये लोग। अरे कोई आकर मेरे सिर पर जल्दी से पानी डालो, मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज है। एक व्यक्ति ने चोपड़े के सिर पर एक मग से पानी डाला, चोपड़े ने तुरंत ड्रायर को अपने सिर की ओर किया और उसे ऑन किया, बस उसमें से आग निकलने लगी, चोपड़े के बाल को आग लगी और सिर से आग की लपटें निकलने लगी। बाप रे ये क्या, अरे बालों को आग कैसे लग गया, कहकर चिल्लाने लगा। सॉरी सर, आपने सच कहा था, ये बेकार प्रोडक्ट है, गर्म हवा की बजाय आग निकल रहा है, पर आपने देखा मॉडल का नाम बिल्कुल सही रखा है सर, हे राम फायर। चोपड़े आग को बुझाने के लिए वहाँ से तेजी से भागा। बाल जलकर गंजा हुए चोपड़े ने उस दिन से नवीन कोई भी प्रोडक्ट बेचने आता तो वो टांग नहीं अड़ाता था। लक्ष्मीपुर नाम के गांव में एक इलेक्ट्रिकल शॉप हुआ करता था, उसके मालिक का नाम श्यामा था। दुकान पर आए कस्टमर से, आइए सर आइए, क्या चाहिए आपको? बहुत कम दाम में और सबसे अच्छे बल्ब मिलने वाली ये एक ही दुकान है, ब्रांडेड कंपनी वाला बल्ब एक दाम पर, और अगर वही अनब्रांडेड हो तो आधे दाम पर ही मिलेगा, कहकर बल्ब दिखाने लगा। मुझे एक अनब्रांडेड बल्ब चाहिए, वो देखो वो चाहिए। अब ये अनब्रांडेड का कोई नाम नहीं होता है क्या? उस बल्ब को निकाल कर होल्डर में लगाते ही वो जलने लगा। देखा सर, आपके चेहरे की तरह चमक रहा है ना, कंपनी का नाम लगाने से वो ब्रांडेड हो जाता है। यही बल्ब ब्रांडेड खरीदने से 100 रुपए लगेंगे, लेकिन अनब्रांडेड होने की वजह से 50 में दे रहा हूँ,
और नाम की इतनी पड़ी है तो श्यामा ब्रांड सोच लीजिए। कहकर कस्टमर्स के पैसे लेकर उसे बब दिया वो कस्टमर के जाने के बाद श्यामा। मूर्ख लोग कुछ भी कहने से मान लेते हैं। वो मेरे चोरी किए हुए बल्ब है, उसको कैसे पता चलेगा? जब तक ऐसे लोग रहेंगे मेरा व्यापार अच्छे से चलता रहेगा, सोचा। इस तरह श्यामा रात को सड़क से बल्ब चुराया करता था, घर के सामने लगाए ट्यूबलाइट्स भी चुरा लेता था। फिर उन्हें अपने दुकान पर बेचता था। उस गांव में गरीब बच्चे सड़क पर लगाए स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। एक दिन श्यामा उस सड़क के बल्ब्स को चोरी कर लिया। अगले दिन पढ़ाई करने जो बच्चे आए, लाइट्स ना होने के कारण वे बहुत दुखी हुए। एक दिन सुबह एक बूढ़ी औरत आंगन में साफ करने जब बाहर आई तो लाइट ना होने की वजह से वो सीढ़ियों से पिसल के नीचे गिर गई। हे राम, गिर गई रे, कहकर जोर से चिल्लाई। उनकी बहू भाग कर आई और हे भगवान, सासू मां लाइट तो लगा देती ना, बोली। लाइट लगाई थी लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जली, हमेशा ऐसे ही होता है। बहू, अरे अरे ये क्या, यहाँ तो बल्ब ही नहीं है, फिर से लगता है किसी ने बल्ब चुरा लिया, छी छी, सोची। गांव भर में बल्ब्स बहुत ज्यादा चोरी होने से सारे लोग आकर पुलिस स्टेशन में लड़ाई करने लगे। शांत रहिए, शांत रहिए, वो बल्ब चोर हमारे स्टेशन के बल्ब भी चुरा लिया, अब हम किसे कहें? कांस्टेबल रंगुनाथ, आज से तुम नाइट ड्यूटी करो, तुम्हें उसे किसी भी तरह पकड़ना ही होगा। गांव में अगर एक भी बल्ब गया तो समझो तुम्हारी नौकरी गई, ध्यान रहे। यूं उसे ऑर्डर दिया। इस तरह बेचारा रंगनाथ नाइट ड्यूटी करने लगा, लेकिन वो एक गली में होता तो दूसरी गली से श्यामा बल्ब चुरा लेता। इसकी वजह से कुछ दिनों में रंगनाथ की नौकरी चली गई। वो उदास होकर जब घर बैठा था तभी उसका बेटा सुशील गांव से आया। पिताजी, मेरी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब काम आएगी, वो चोर जरूर इन बल्ब्स को कहीं ना कहीं बेच रहा होगा, हमारे गांव के सारे इलेक्ट्रिकल शॉप पर नजर रखनी होगी, उसे पकड़ने के लिए मेरे पास एक उपाय है, कहा। अगले दिन सुशील अपने पिताजी के साथ मिलकर अपने प्लान को एसआई को बताया। हाँ, कहकर प्लान के लिए तैयार हो गया। फिर गांव में एक इलेक्ट्रिकल शॉप के पास आया सुशील, वहां के बल्ब्स खरीद कर अपने तैयार किए गए टेस्टिंग मशीन में उन्हें डाला, बल्ब जलने लगे। ये क्या सर, मेरी दुकान में ही टेस्टर था ना, उसमें क्यों डाले? ये एक मुख्य रूप से तैयार किया हुआ टेस्टिंग मशीन है, तुम्हें बाद में समझ आएगा, कहकर वहां से चला गया। फिर सुशील श्यामा के दुकान पर आया। आइए आइए, कौन सा बल्ब चाहिए, ट्यूबलाइट या मामूली लाइट? चाहे जो भी हो, ब्रांडेड के आधे पैसे में अनब्रांडेड वाले मिल जाएंगे, यानी श्यामा ब्रांड। मुझे एक अनब्रांडेड बल्ब चाहिए, लेकिन क्या मैं वो बल्ब को पहले अपने टेस्टिंग मशीन में टेस्ट कर सकता हूँ? आपको कुछ ऐतराजी तो नहीं है ना? ठीक है, कहकर जो बल्ब उसे दिया वो टेस्टिंग मशीन के होल्डर में डाला। बस वो बल्ब जलने के साथ साथ कुई 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 यू अलार्म भी बजने लगा। तब वहाँ पुलिस वाले भाग कर आ गए। श्यामा बिना कुछ समझे देखने लगा। ऐसा ही सर, मैं इन बल्ब्स में एक इलेक्ट्रिक सेंसर चिप लगाया था, वो प्लस और ये होल्डर में जो है वो माइनस, दोनों को मिलने से अलार्म बजे ऐसा सेट किया था, ये जरूर गांव में चोरी हुए बल्ब ही है सर, कहा। फिर पुलिस ने श्यामा को बहुत पीटा। सर मुझे माफ कीजिए सर, मैं ही लालच में आकर उन बल्ब्स को चोरी किया और बेचने लगा। आखिरकार श्यामा जेल की सजा काटा और रंगनाथ फिर से नौकरी में जुट गया।